अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं मतलब पता नहीं क्यों अभी वो कॉन्टिन्यूटी ना मेरी व्लॉग्स करने की खत्म हो चुकी है। मैं रोज सोचती हूँ आज व्लॉग स्टार्ट करूँगी आज करूँगी, लेकिन फिर मैं व्लॉग ही नहीं करती। तो आज का अपडेट ये है कि अभी मैं उठी हूँ, मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है मैं उठी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमारा हेल्पर आता है तो फिर नींद नहीं हो पाती है, वो बार बार उठाता है। तो आज का मेन्यू है, मैं आपको वो भी दिखा दूं। खिजर का एग्जाम था तो खिजर तो आ गया है, मम्मा अभी तक स्कूल है खाला के साथ। खिजर अपना यहाँ पे बैठ कर लंच कर रहा है क्योंकि खिजर को कोचिंग भी जाना है। हेलो, खिजर खा रहा है राइस एंड आलू की शामी, और आज हमने पकोड़े बनवाए हैं, ये हमें बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, मैंने थोड़ी लाइट्स चला ली। हम कर रहे थे रिव्यू आज पकोड़ों का, जो कि इतने मजे के बने। खिजर तुम बताओ कैसे लगे तुम्हें? मुझे पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। हम वैसे नॉर्मली नहीं खाते हैं ऐसे रमजान में या ऐसे नॉर्मली मंगवा कर, लेकिन खाने के साथ स्पेशली लंच में, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद खाएं तो मजा भी बहुत ज्यादा नहीं रहा। हाँ, और बहुत ही क्रिस्पी बने। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना चेंज वगैरह कर लूँ आज, मैं और मम्मा मैं भी जाएं, क्योंकि शादी का सीजन आ रहा है शादियों का, तो कुछ कपड़े वगैरह हमने सोचा कि एम्ब्रॉयडरी करने के लिए देते हैं। वो मम्मा आएंगी तो फिर देखते हैं। और एक शूज भी एक्सचेंज करवाना है, हमारे शूज की साइज मिलना बहुत मुश्किल है, कभी भी मतलब सही शूज की साइज नहीं मिलती है, स्पेशली तब जब अभी हमें दो दफ़ा या एक दफ़ा एक दफ़ा हम एक्सचेंज करवा कर आए हैं, वो फिर से शूज़ की साइज़ का मतलब मम्मा के शूज़ की साइज़ का नहीं सेट हो रहा। तो अब हम मम्मा को साथ लेकर जाएंगे और मैं और मम्मा जाएंगे। अंजा तो है नहीं यहाँ पे, वो आई थी तो हमने व्लॉग किया था, वो कल चली गई है। अब तो हम इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे और बाकी मैं अपने पकौड़े इंजॉय करती हूँ। नेल पेंट मुझे चेंज करनी है जो कि बहुत चिप ऑफ हो गई है, और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर चलते हैं शीजल के पास। मैं कब से सोच रही हूँ अपना कबर्ड सेट करूँ, क्योंकि इस कबर्ड के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो कबर्ड सेट करेंगे हम ये अपना भी, और अभी देखते हैं अंजा के कबर्ड। अंजा का कबर्ड भी ये मैंने ख़राब किया है, ये मेकअप मेरा पड़ा हुआ है, ये दुपट्टे हमारे हैं, ये स्कार्फ मैंने निकाला था, ये बैग मेरा है, ये बुक्स खिजर के हैं, और ये भी हमने ही ख़राब किया हुआ है। लेकिन अंजा का फिर भी ये ड्रेस मेरा है तो ये हमने ही गंदा किया हुआ है। तो अभी मैं देखती हूँ मैं कौन सी ड्रेस पहनती हूँ। इसकी देखूँ शर्ट है यहाँ पर, तो ये वाली ड्रेस पहनती हूँ, वरना वो भी देखते हैं क्या पहन रही हूँ मैं। लेट्स सी, कुछ अच्छा ही पहनूँगी, मुझे दिल कर रहा है तैयार होने का। ये वाला ड्रेस मैंने निकाला है, ये मेरा ही ड्रेस है। अगर हम कहीं गए तो फिर मैं बस यही पहन के जाऊँगी अगर दिल किया तो, वरना ये दिल कर रहा है रेडी होने का। और नेल पेंट बिल्कुल चिप ऑफ हो गई है, इसको भी सेट करना है। बाकी अभी चेंज वगैरह करते हैं, मम्मा भी आ गई हैं और खाना वगैरह भी बन गया है। बाकी आप बने रहें, देखें अपडेट्स देती रहूँगी मैं आपको। अभी हो रहे हैं 2:09 और मैंने अपना फुल मैं भी रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, मम्मा आ भी गई हैं, सबने खाना खा लिया है, पूरी सफाइयाँ हो चुकी हैं और बाहर भी देख सकते हैं फुल से क्लीनिंग हो चुकी है। और सब अभी वो तो सोने के लिए चले गए, मैं उठी थोड़ी देर पहले हूँ, तो अभी बस मैं बैठूंगी देखती हूँ क्या करती हूँ, कोई मूवी वगैरह कुछ देखूंगी। मैंने लंच अभी तक नहीं किया है जो कि मैं थोड़ी देर में करूँगी, तो रेडी हो गई हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है बहुत लंबा दिन होने वाला है। अभी तो फिलहाल मैं बैठी हूँ, वैसे अंजा होती है तो हम बैठे होते हैं यहाँ पर बातें बातें करते हैं। चलो अभी कुछ देखते हैं मूवी वगैरह। मैंने सोचा था भूल भैया 3 देखूंगी, लेकिन वो जो है ना अभी HD में नहीं आई है, और HD में नहीं देखते ना तो फिर HD में आ भी जाती है ना फिर मज़ा नहीं आता इतना, तो उसका HD में आने का वेट करेंगे। और अभी मैं होंगी रिलैक्स। बाय द वे, कल ना मैंने बनाई थी ब्रूकीज़, एक चॉकलेट फ्लेवर एक बगैर चॉकलेट के, वो भी मैं शाम को बेक करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और अभी खाला ने कॉल किए कि किसी को भेजो और हलीम लेकर जाए, तो मैंने बोला मैं ही आती हूँ हलीम लेने, शीजल को भी लेकर आते हैं बहाने ऐसे। मतलब पता है क्या, मैं इतनी लेजी हो चुकी हूँ, मुझे बहुत दिल कर रहा है मैं इसको लेकर आऊँ, लेकिन मुझे वो कहते हैं ना आलस इतना चढ़ गया है कि मुझे जाने का दिल नहीं कर रहा। उसको लेकर आने का दिल कर रहा है लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा, तो चलो चलते हैं, शीजल को भी लेकर आते हैं और हलीम भी लेकर आते हैं। ब्लू ब्लू चप्पल, ब्लू ब्लू ड्रेस, सब कुछ मैचिंग हो रहा है मेरा तो भाई, खाला को नहीं दिख सकते। चलो अभी शीजल से मिलते हैं, सफाई अभी तक नहीं हुई है, सफाई चल रही है, शीजल से मिलते हैं। शीजल ऊपर है, आप कैसे हैं खाना? ठीक, बिल्कुल सही है।
आपको कोई आया है दरवाजे पर? हाँ, खाना लेने आया है बस शॉप में। हाँ हलीम निकालो, मैं शीजल से ऊपर मिलकर आती हूँ। अभी ऊपर चलते हैं, शीजल मेरे ख्याल से बेबी सो रही हो। आपने कभी उनका ऊपर घर देखा है? आई गेस नहीं, जाग रही है, जाग रही है। मैं तो आई थी शीजल का व्लॉग करने, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश होकर आई है अभी अभी, मैं इसको दिखा नहीं सकती। अच्छा चलो अभी ये थोड़ा अपना रेडी हो जाए, फिर इसको लेकर चलते हैं। इसकी मुंह भी खुशी से देख रहा है। चलो अभी ये रेडी हो जाए, फिर चलते हैं। शीजल का व्लॉग हम कहाँ से करें, ये तैयार ही नहीं होती है। हो गई शीजल, अस्सलाम वालेकुम। ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। अभी ये पोनी भी करेंगी, पोनी करोगी? शीजल की यहाँ पोनी हो रही है और उसका अभी ध्यान नहीं गया शायद। एक हो गई शीजल ना? शीजल आने बी केड़ी पाया हूँ, खड़ी जो केड़ी पाए आने या पोनी। ओके शीजल, शीजल हम शीजल को और शीजल की खिचड़ी को लेकर जा रहे हैं। हलीम खाला ने घर भेज दिया है, तो अभी घर चलते हैं। पहले गुस्सा करके दिखाओ गुस्सा। चलो चलते हैं। अभी प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है और इसको खिचड़ी खिलाएंगे। इसकी मैं खिचड़ी भी मैंने वहाँ रख दी है, अभी थोड़ा इसका मूड ठीक होगा तो फिर इसका हम शीजल खिचड़ी खाऊं, खिचड़ी खाएं, इसको पता है उसकी खिचड़ी है। अभी ये मैंने कल ही सारा सेट किया है, अभी देखना ये आई है ना, अभी ये सारा गंदा करेगी। ये देखो ये देखो भाई, ये किस किस्म का इंसान है, कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता। अभी मैंने यहाँ कल ये सेट किया, अभी मैडम आएगी वो सारा गंदा करेगी। हमारा मिशन जो है वो अकम्प्लिश्ड हो गया है, शीजल सो गई है और मैं टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 3:30 और शीजल इतना जल्दी बिल्कुल नहीं सोती है मेरे तो ख्याल से, तो इसको मैंने अभी बिल्कुल सुला दिया है, खराटे गई थी मुझे 3 मिनट में, सकून से सुनाया अपना बैठ गया, बिल्कुल चेंज कर और फिर चलते हैं, देखते हैं कौन सी नेल पेंट लगाती हूँ आज। मैं बैठ के अपनी नेल पेंट रिमूव कर रही थी और ये देखे शीजल पोनी उतार के आ गई है। शीजल गुड इवनिंग, पढ़ रहा है अपना। मैं ना इसके साथ बैठी हुई हूँ और मैं चाह रही हूँ ये मुझे प्यार करे, किसी भी किसी करे। शीजल मैंने अपनी नेल पेंट चेंज कर ली है, अब दिखाती हूँ। वैसे ऑफ कैमरा बिल्कुल फुल कर लिए प्यार, ऑन कैमरा नहीं कर। भाई बाइट कर रही है बड़ी, ये क्या चीज़ है मैं बता नहीं सकती, पटाखा है ये बहुत बड़ा। ऑन कैमरा देखो मार रही है इसको, जैसे ही पता लगा ना कि मैंने फ्लैश चलाई है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या आप लोगों को पता लगा शीजल गई अपने घर? कब से इतने घंटे अपने घर थी, हमने डिनर कर लिया, कपड़े चेंज किए और फिर मैडम आ गई है। मैं मम्मा वाले के साथ नहीं गई शूज एक्सचेंज करवाने, वो खुद ही चली गई। और ये मैडम देखो इसकी इसकी हरकत खत्म ही नहीं होती है, इसकी हरकत ही खत्म नहीं होती है। आज का व्लॉग लगता है कि शीजल के नाम है। और जो हम सोच रहे थे कपड़े वगैरह देने जाएंगे शादी के लिए, मतलब स्टिच करवाने थे, तो वो हम नहीं गए, लेकिन देखते हैं फिर। इसको पानी पीना है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। इफ यू गाइस लाइक द ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। की नेक्स्ट ब्लॉग। ओके अल्लाह हाफिज़।